हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हालांकि आप टाइटल थंबनेल देख के समझ गए होंगे, लेकिन आज की वीडियो ना कुछ आप एंजॉय भी कर सकते हैं। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि कहा जाता है ना, ये पुराने बुजुर्ग के द्वारा ये कहानी बताई गई है। मतलब उनकी जो कुछ लक्षण हैं जो कि वो बताती हैं कि काम करते हैं था, तो आप एक एंजॉयबल के तौर पर वीडियो को देख सकते हैं। मतलब कि आप फ़न की तरह वीडियो को देख सकते हैं कि आपके साथ क्या ये लक्षण मैच कर रहे हैं और आपको क्या बेबी बॉय हो रहा है या बेबी गर्ल्स हो रहा है। तो ये वीडियो सिर्फ एंजॉय लीजिएगा, एक फ़न एक्टिविटी है। और आप इस वीडियो को सीरियसली बिल्कुल भी मत देखिएगा, ठीक है? क्योंकि मैं आपको इसलिए पहले ही बता दे रही हूँ, वीडियो में देखिए जो मैं शेयर कर रही हूँ वो हमारी जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग बताया करते हैं उनका एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी हमारा जो चैनल है, हम जेंडर सिलेक्शन को बढ़ावा बिल्कुल भी नहीं देता है, ना ही इन चीज़ों को सपोर्ट करता है। देखिए क्या होता है ना कि जब आप गर्भवती होती हैं ना, तो आपके परिवार और दोस्तों के लिए बच्चे का लिंग का अनुमान लगाना समान बात है। कुछ ऐसे भी सुझाव दे सकते हैं कि आपके पास एक लड़का या लड़की होने के लक्षण हैं। ये धारणाएँ और मिथिक पीढ़ी पर पीढ़ी जिज्ञासा से उत्पन्न हुई है। खासकर जब स्कैन उपलब्ध नहीं थे, तो लक्षणों के माध्यम से बच्चे के लिंग का अनुमान लगाया जाता था। इसकी भविष्यवाणी करी जाती थी और काफ़ी मज़ेदार भी होता था। एक जो गर्भवती महिला है उस चीज़ को बेसब्री से वेट करती थी कि हाँ, ये लक्षण सही होगा मेरे साथ या नहीं होगा। लेकिन हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, क्योंकि इसको कोई भी गंभीरता से नहीं लीजिएगा। और गर्भावस्था के दौरान बच्चे के लिंग से जुड़े कुछ हम इसमें ऐसे लक्षण बताएंगे जो कि आप इंजॉयली देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, शिशु का जो लिंग होता है क्या निर्धारित करता है, सबसे पहले ये जानते हैं। देखिए, बच्चे का लिंग निषेचन के समय जब शुक्राणु अंडे से मिलता है, उसके गुणसूत्रों की बनावट से निर्धारित होता है कि एक भ्रूण या बच्चा प्रत्येक माता पिता से 23 गुणसूत्र प्राप्त करता है, जहां एक जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम से बनती होती है जो बच्चे के लिंग का निर्धारण करती है। यदि बच्चे में 2 एक्स गुणसूत्र हैं तो यह एक लड़की है, और यदि इसमें 1 एक्स और 1 वाई गुणसूत्र हैं तो यह एक लड़का है। तो इस तरह से लड़का और लड़की का जन्म होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं आगे कि आगे कौन कौन से जो लक्षण हैं जो कि गर्भावस्था के दौरान देखे जाते हैं, आपको संकेत मिलते हैं कि आपको ये लक्षण सही हैं, ठीक है? देखिए, सबसे पहला जो लक्षण होता है मॉर्निंग सिकनेस। आपने बहुत सुना होगा कि मॉर्निंग सिकनेस जो होती है वो काफ़ी महिलाओं को होती भी है और काफ़ी महिलाओं को नहीं भी होती है, ठीक है? जब आपको मॉर्निंग सिकनेस या मितली की अनुभव नहीं हो रहा है तो ये संकेत लड़का होने का कहा जाता है। इसका देखिए कुछ रीज़न भी होता है जो कि मैं आपको बताऊंगी। देखिए, मॉर्निंग सिकनेस जो होती है, मितली और उल्टी गर्भावस्था का एक समान लक्षण है जो 70% 80% गर्भवती महिलाओं को प्रभावित करता है। यह ज़्यादातर पहली तिमाही तक ही सीमित होता है, लेकिन कुछ महिलाओं को प्रसव तक इसका अनुभव हो सकता है। माना जाता है कि इसका कारण हार्मोन परिवर्तन है, ना कि शिशु का लिंग, ठीक है? हृदय गति 140 बीट प्रति मिनट से कम होना एक लड़का होने के संकेतों में से एक है। अब इसका रीज़न क्या है? देखिए, यह एक भ्रम दावा है, ठीक है, जिसका समर्थ करने के लिए कोई शोध नहीं है। पहली तिमाही के दौरान भ्रूण की हृदय गति में लिंग संबंधित अंतर शीर्षक वाले एक अध्ययन से इस मिथक को खारिज कर दिया गया है कि पहली तिमाही में अगर लड़के और लड़की की हृदय गति के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं होता, ठीक है, पहली तिमाही में चाहे लड़का हो या लड़की हो सेम ही होता है, कोई हृदय गति में बदलाव नहीं होता है, ठीक है? अब देखिए बात करते हैं कि जो नेक्स्ट सिम्टम्स होता है, जैसे कि त्वचा और बालों की स्थिति।
कहा जाता है कि दाग धब्बे और फुंसियों से मुक्त त्वचा के साथ अच्छा त्वचा स्वास्थ्य संकेत है कि आप एक लड़के के साथ गर्भवती हैं। जबकि एक बच्ची की सुंदरता को उधार लेती है, जैसे अगर आपके गर्भ में बच्ची है तो वो आपकी सुंदरता को उधार लेती है, जिससे कि उसकी त्वचा खराब हो जाती है। माँ के गर्भ में लड़का होने की स्थिति में भी लंबे और चमकदार बाल होंगे, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इनके भी कुछ लक्षण होते हैं, रीज़न होते हैं। देखिए, इन दावों का समर्थन करने के लिए कोई अध्ययन नहीं है। गर्भावस्था के दौरान त्वचा और बालों में बदलाव हार्मोन के स्तर में बदलाव के कारण होता है। बच्चे के लिंग के बावजूद हार्मोन परिवर्तन के परिणाम स्पष्ट रूप त्वचा और चमकदार बाल या मुहासे और बाल झड़ना झड़ सकते हैं। खाने की लालसा, अगर आपको खट्टा या नमकीन खाने की इच्छा है तो आपका लड़का होने की संभावना अधिक होती है। अब इस दावे का समर्थन करने वाला कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। हालांकि क्रेविंग हार्मोन परिवर्तन और पोषण संबंधित कमियों और औषधियों के रूप से की जाती है। देखिए, कहा जाता है कि ये सिर्फ आपका अंदर जो चीज़ की कमी होती है, आपके शरीर में पोषण की कमी होती है, ठीक है, तो उसी की वजह से आपको क्रेविंग होती है खाने की, तो आपको गर्भावस्था के दौरान खाने की लालसा होती है बहुत ज़्यादा। वहीं पेट की स्थिति, वजन कम करना आपके गर्भ में लड़का होने के संकेतों में से एक होता है। कहा जाता है कि अगर आपका वेट कम है, वजन कम है, आपका वजन जो भी है बस पेट पे है, तो ये लड़का होने का संकेत होता है। वहीं अगर आपका वेट, मतलब कहा जाता है अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है पूरे शरीर पे है, तो ये लड़की का संकेत देता है। मूड में बदलाव होना, यदि आपके पेट में लड़का है तो आपके मूड स्वेलिंग होने का खतरा नहीं होता है। लेकिन अगर आप लड़की के साथ गर्भवती हैं तो आपका मिजाज होने का खतरा होता है, आपका मूड चेंज होता रहता है। अब इसका तथ्य क्या है? देखिए, गर्भावस्था के दौरान मूड स्वेलिंग होना हार्मोन परिवर्तन के कारण होते हैं, ना कि बच्चे के लिंग के कारण होता है, ठीक है। अब बात करते हैं पेशाब का रंग। देखिए, गर्भावस्था के दौरान आपके मूत्र का रंग बदलता है, और यदि यह गहरा दिखाई देता है तो ये कहता है कि आपके गर्भ में लड़का है। अब क्या इसका तत्व है? देखिए, गर्भावस्था के दौरान पेशाब में बदलाव होना आम बात होती है। डार्क यूरिन डिहाइड्रेशन का संकेत हो सकता है, जो मतली और उल्टी के कारण भी हो सकता है। मूत्र का रंग खाद्य पदार्थ और दवाओं और पूरक आहार के साथ भी बदल सकता है, और यह सेक्स भविष्यवाणी से संबंधित नहीं है, ठीक है। गर्भावस्था के दौरान मूत्र का रंग इस वजह से बदलता है। जब आप एक बच्चे को जन्म देती हैं तो आपका दाहिना स्तन बाएं स्तन से बड़ा हो जाता है। हालांकि इसका तथ्य क्या है? गर्भावस्था के दौरान हार्मोन परिवर्तन से रक्त प्रवाह में सुधार होता है और स्तन के ऊपरी परिवर्तन होता है, जिसमें बड़े महसूस हो सकते हैं। स्तनों में सूजन आ सकती है, क्योंकि वे आपके बच्चे के लिए पोषण तत्व और स्तन में दूध की आपूर्ति के लिए तैयार होते हैं। गर्भावस्था के बढ़ने के बाद स्तनों में सूजन आ जाती है, और यह सूजन जन्म के बाद आपके बच्चे के पोषण के लिए स्तन के दूध की आपूर्ति के लिए तैयार करने में मदद करती है। हालांकि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि स्तन परिवर्तन का शिशु के लिंग से कोई संबंध होता है। कि आई होप कि आप इतना समझ गए होंगे। कहा जाता है कि पैर ठंडे होना, अगर आपके पैर बर्फीले ठंडे हैं तो इस बात का संकेत होता है कि आपके गर्भ में लड़का है। इसका तथ्य है, गर्भावस्था के दौरान ठंडे पैर खराब रक्त परिचरण मधुमेह अधिक ठंड के मौसम के कारण भी हो सकते हैं। तो इनकी कुछ रीज़न होते हैं जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा तो आगे ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।